नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल 11 जुलाई 2024, कल के दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उसको देखते हुए कल निफ्टी गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई, क्या कल के लिए नई एक्सपायरी यानी कि वीकली एक्सपायरी की शुरुआत है? कल बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, इन सभी पर हम इस वीडियो पर एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स दीजिए। जिस तरीके से मार्केट लास्ट 5 या 6 दिन से चल रहा था, लेकिन मार्केट में एक रेंज बाउंड की तरह मार्केट चल रहा था, ना हमें बड़ी तेजी ना बड़ी गिरावट देखने को हमें मिल रही थी। कल भी मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, निफ्टी लगभग 100 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने यानी कि 10 जुलाई को जो मार्केट जिस तरीके से आज गैप डाउन ओपन हुआ और जो फिसला, फिर वापस हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। एक चीज ध्यान में रखिए कि निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 24,300 है। मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आती है, फिर भी निफ्टी 24,300 के ऊपर क्लोजिंग में कामयाब रहता है। लास्ट वीक में हमें 3 बार मौके मिले थे, निफ्टी 24,300 के नीचे गिरा था, लेकिन वापस हमें निफ्टी निचले स्तर से रिकवर करते हुए 24,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है। अब ऐसे कल के लिए अगर हमें एक माइंड सेट करना हो तो कल 24,300 ये सपोर्ट होगा और 24,400 ये रेजिस्टेंस होगा। जब तक कल अगर मार्केट कितना भी गिरता है तो वापस वो 24,300 के ऊपर क्लोजिंग के लिए भी सोचने वाला। कल के लिए निफ्टी जो ऑप्शन चेन में हमें देख रहे हैं कि 48 लाख कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है और 32 लाख पुट राइटर की ओपन पोजीशन, यानी कि डेटा भी हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि कल निफ्टी में हमें एक 60 से 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग को ज्यादातर इंडिकेट कर रहा है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी 52,000 को सपोर्ट कर रहा है, 52,000 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है और 52,500 ये रेजिस्टेंस होगा कल बैंक निफ्टी में। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में जो ऊपरी स्तर से हमें दबाव देखने को मिला है वही कंटिन्यू आज किया, लेकिन जिस तरीके से आज निफ्टी में गिरावट हुई थी उसी तरीके से बैंक निफ्टी में उस लिहाज से थोड़ी कम गिरावट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी के लिए भी कल हमें 52,000 एक सपोर्ट है और 52,500 ये रेजिस्टेंस लेवल है। ऑप्शन डेटा में अगर देखें तो कुल 12 लाख कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है और 7 लाख पुट राइटर की ओपन पोजीशन। तो ऐसे मार्केट में अभी डेटा के अनुसार कल के लिए मार्केट हमें एक गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है, लेकिन कुछ सपोर्ट और कुछ लेवल ऐसे वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस आके रुकते और जो क्लोजिंग होती है वो निफ्टी की जो क्लोजिंग देखते हैं वो 24,300 के ऊपर क्लोजिंग होती है और बैंक निफ्टी की 52,000 के ऊपर क्लोजिंग होने में कामयाब रहता है। ग्लोबल मार्केट में भी एक फ्लैट और थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट है। जिस तरीके से अगर मिडनाइट तक ग्लोबल मार्केट में कुछ पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आती है तो उस तरीके से मार्केट में एक बड़ी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमें यही दर्शा रहे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग की हमें एक दिशा दिख रही है। दोस्तों ऐसे ही डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन के लिए और स्टॉक से रिलेटेड अलर्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।